हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th SST। स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, इन SST वी आर डिस्क्राइबिंग चैप्टर नंबर 3rd इन सिविक्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में ही, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रॉम हियर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कोई विधेयक कैसे पारित किया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। द पार्लियामेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन द इम्प्लीमेंटिंग न्यू बिल दैट कैन चेंज द एक्सिस्टिंग लॉ इफ एक्सेप्टेड इन बोथ द हाउसेस। एन ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। पार्लियामेंट जो हमारी संसद है, प्लेज अ वाइटल रोल इन द इम्प्लीमेंटिंग न्यू बिल्स, नए बिलों को पारित कराने में इसका वाइटल यानी प्राणदायक रोल है। कहने का मतलब मुख्य रोल है। दैट कैन चेंज द एक्सिस्टिंग लॉ इफ एक्सेप्टेड इन बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस जो हमारे दोनों सदन हैं उनमें एक्सेप्टेड इन बोथ दोनों हाउसेस का एक्सेप्टेशन लेते हुए। एन ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस इन एनी हाउसेस, जो सामान्य बिल होता है वो किसी भी बिल हाउस में पास किया जा सकता है, यानी किसी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। अब द पार्लियामेंट हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस, इन स्टेजेस से होकर के इस बिल को गुजरना होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल और द फर्स्ट रीडिंग स्टेज। द फर्स्ट स्टेप इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इज टेकन बाय द कंसर्न्ड मिनिस्टर थ्रू फॉर्मल मोशन टू इंट्रोड्यूस इट। The introduction of the bill is also called the first reading of the bill. The first step, जो पहला step है ये है introduce bill को introduce करना है। Taken by the concerned minister, ministers को संज्ञान में लेते हुए the formal motion the introduce. Introduction of the bill is also called, यानी इस bill का introduction ये भी कहलाता है कि first reading of the bill. First reading of the bill भी कहलाती है first step हमारी। इसके बाद सेकेंड स्टेप है सेकेंड रीडिंग स्टेज। तो नॉर्मली सफिशेंट पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल, यानी पहले और दूसरे रीडिंग बिल को रीडिंग करने के रीड करने के लिए पर्याप्त टाइम दिया जाता है। टू इनेबल द स्पीकर टू प्रिंट एज मैनी कॉपीज ऑफ द बिल एज रिक्वायर्ड ऑन द फिक्स डे। द मूवर राइज ऑन इज हर सीट एंड सीक्स परमिशन ऑफ द हाउस फॉर द सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल, यानी जो इसका स्पीकर होता है उसकी सलाह पर बिल की कई कॉपियाँ की जा सकती हैं और सबको दिया जा सकता है उसको अच्छे से रीड करने के लिए। आफ्टर दिस इनिटेटर्स मूव एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स। इसके बाद ये प्रपोजल सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं दैट द बिल मे बी कंसीडर्ड इमिडिएटली, कि बिल पर संज्ञान लिया जाए तुरंत। दैट द बिल बी रेफर टू द सेलेक्टेड कमेटी, इसके बाद बिल जो सेलेक्टेड कमेटी होती है उसको रेफर किया जाए। दैट द बिल बी रेफर टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ द हाउसेस, इसके बाद जॉइंट कमेटी को दिया जाए दोनों हाउसेस की जो जॉइंट कमेटी होती है। That the bill be circulated among the people for their opinion. Circulated among the people for their opinion, और लोगों की opinion जानने के लिए बिल को circulated किया जाए, it means चारों तरफ उसको consider करने के लिए भेजा जाए। The adoption of the bill depends on the significance and urgency of the bill. इफ़ द बिल इज पास्ड इट इज़ सीन टू द नेक्स्ट स्टेज, अगर यहाँ से बिल पास हो जाता है तो उसको अगले स्टेज के लिए भेजा जाता है।
नेक्स्ट स्टेज क्या है? कमेटी एंड रिपोर्ट स्टेज। एट दिस स्टेज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिल आर डिस्कस्ड, सजेशंस रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट आर गिवन एंड ड्रॉबैक ऑफ द बिल आर रिमूव्ड। देन द रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न बिल इज सबमिटेड टू द हाउस। नाउ द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाई क्लॉज। If it approved at the committee stage, then they will be concerned to pass this stage. इस स्टेज में क्या होता है? Various aspects of the bills are discussed. बिल के जो aspects होते हैं उनको discuss किया जाता है। Suggestions regarding to the improvement, बिल के और अधिक सुधार, उसको improvement करने को, उसमें सुधार लाने के लिए सलाह ली जाती है। और the given and the down drawback to bill to the removed. Then the reported concerned report of the concerned bill is submitted. इसके बाद बिल की जो concerned रिपोर्ट होती है उसको सबमिट किया जाता है। फिर इसके बाद बिल के लिए उसमें डिस्कशन किया जाता है क्लास बाई क्लास एंड अप्रूव एट द कमेटी स्टेज, और कमेटी के द्वारा अप्रूव करके उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए भेज दिया जाता है। थर्ड रीडिंग स्टेज। आफ्टर सम डेज द बिल इज अगेन इंट्रोड्यूस इन द हाउस। कुछ समय बाद फिर से बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओनली जनरल डिस्कशन ऑन द बिल इज डन एंड सेंड टू द नेक्स्ट हाउस टू इट्स अप्रूवल। सामान्य रूप से इसमें डिस्कशन होता है और इसके बाद बिल को अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। बिल इन द अपर हाउस। अब इसके बाद अपर हाउस में बिल पहुँचता है जब, तो इन द अपर हाउस द बिल पासिस थ्रू ऑल द स्टेजेस I discussed above. After passing through these stages, it is sent to the President of India for his/her final approval. If in any case the two houses have different opinions over certain issues related to the bill, the President may call a joint session of the two houses. If any case, अगर किसी कारण से दोनों houses का ओपिनियन डिफरेंट है, दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा अगर दोनों का ओपिनियन अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट उनकी ज्वाइंट बैठक बुला सकता है। द बिल इज डिमांड टू बी पास्ड इफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। बिल क्या डिमांड करता है कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, फिर जिनकी मेजोरिटी, जिनमें जिनका बहुमत ज़्यादा हो जाता है दोनों सदनों में से, उस बिल को उसी के हिसाब से कर दिया जाता है। अगर पास के लिए बहुमत ज़्यादा है तो पास कर दिया जाता है, और उसको हटाने के लिए बहुमत ज़्यादा है तो हटा दिया जाता है। फाइनली आफ्टर द प्रेसिडेंट सिग्नेचर द बिल बिकम अ लॉ। अंत में लॉ का रूप बन जाता है प्रेसिडेंट की साइन होने के बाद। इसके बाद मनी बिल। मनी बिल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।